ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, खालिस्तान में दो दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अपने को सही वाला ऑप्शंस भरना है, उन दोनों में से एक हमारे पास सही है। अवर डैश इन द स्टाफ मेड अ प्लान टू विजिट आगरा दिस वीक, कि हमारे स्टाफ ने आगरा विजिट, इस हफ्ते आगरा विजिट करने का प्लान बनाया, तो उसमें कलीग आएगा कि नेबर आएगा। जब आप कहीं ऑफिस में वर्क करते हैं तो ऑफिस में जब वर्क करते हैं तो वहाँ जो आपके सहकर्मी होते हैं, आपके साथ काम करने वाले, उनको हम क्या कहते हैं, नेबर बोलते हैं कि कलीग बोलते हैं, बताइए। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कलीग। कलीग, वेरी गुड, बहुत सही जवाब, तो उसमें कलीग आएगा। सेकेंड, साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डिस्कवर अ वैक्सीन फॉर डैश कॉल एड्स, लोग जो है वो, उन्होंने एक नई वैक्सीन डिस्कवर कोशिश कर रहे हैं डिस्कवर करने की, जिसका नाम एड्स है, तो वो नहीं, वो जो है डिजीज या निमोनिया, क्या आएगा बताओ, एड्स क्या है, एक डिजीज है या निमोनिया क्या है, डिजीज क्या है बताओ, डिजीज, ठीक, डिजीज। फिर तीसरा, द रेड फोर्ट, जंतर मंतर और द ताजमहल, ये तीनों क्या है, मॉन्यूमेंट्स हैं कि म्यूजियम है, मॉन्यूमेंट्स। वेरी गुड, मॉन्यूमेंट, स्मारक है। फिर है, ट्रेवेलिया इज अ मॉडर्न डिजीज, पीपल गिविंग इन डैश फॉल प्रे टू इट, है ना, ट्रेवेलिया आजकल की बीमारी है, और कौन से लोग जो है इससे ज्यादा ग्रसित होते हैं, रूरल एरिया की अर्बन एरिया, अर्बन एरिया, अर्बन एरिया, हाँ अर्बन एरिया, ठीक है। फिर है लास्ट वन, द डिजीज मेंशन इन द लेसन इज, जो डिजीज, जो बीमारी इस लेसन में बताई गई है वो इन्फेक्शियस है कि सीरियस है, इन्फेक्शियस, हाँ संक्रामक है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे आंसर है, फिर वन वर्ड है बच्चों, फटाफट वन वर्ड बता देती हूँ मैं आपको। वन हु इज सिक इज अ, जो बीमार है उसे क्या कहते हैं, हाँ दोस्त, हाँ, वन जो, वन हु इज सिक ही इज अ पेशेंट, इसको पेशेंट कहते हैं, ठीक है ना। फिर है, वी कैन गेट इट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टीवी, मतलब न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी से हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन। जी हाँ। फिर है, द प्लेस वेयर वी कैन सी ओल्ड थिंग्स, ऐसी जगह जहाँ हम पुरानी चीजें देख सकते हैं उसे हम कहते हैं म्यूजियम। म्यूजियम, है ना। इट इज अपोजिट ऑफ फेमेलियर, फेमेलियर का अपोजिट वर्ड क्या होता है, स्ट्रेंज या अनफेमेलियर, आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, दोनों ही सही है। और आखिरी है, अ साइन ऑफ चेंज इन योर बॉडी और माइंड दैट शोज दैट यू आर नॉट हेल्थ, ऐसा कुछ बदलाव जो आपके शरीर में आता है जो ये दिखाता है कि आप स्वस्थ नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, सिम्टम, सिम्पटम। हाँ। फिर है, ग्रामर में आपका कुछ जगहों के नाम दिए हैं घूमने वाली, है ना, और इसमें कुटुंबसर केव, चित्रकूट फॉल, कांगेर वैली, सिरपुर, भोरमदेव, रामगढ़ पेंटिंग, भिलाई स्टील प्लांट, भोरमदेव, सोना खान, बमलेश्वरी टेम्पल था, सॉरी फिफ्थ वाला, फिर सोना खान के बाद है बस्तर मेला, केशकाल घाटी और मैन पार्क। इसमें आपको एक टेबल बना के दिखाया हुआ है, टेबल में तीन भाग किए हुए हैं, है ना, पहले में आई वी यू दे ही शी और रामू लिखा हुआ है, बीच वाले में केवल दो चीजें लिखी हुई हैव सीन और हैज सीन, और आखिरी वाले में सारी जगहों के नाम। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आई वी यू दे के साथ में हैव लगाएंगे आप, और ही शी और रामू के साथ में हैज लगा के आपको एक एक सेंटेंस बनाते जाना है, बहुत ही इजी है ये। आई हैव सीन सिरपुर, वी हैव सीन कांगेर वैली, यू हैव सीन भोरमदेव, है ना, फिर है, ही हैज सीन मैन पार्ट या सोना खान, शी हैज सीन मैन पार्ट और रामू हैज सीन चित्रकूट फॉर, क्योंकि ये कौन से, देखो
सर्वनाम के साथ किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, ये आपको तो मालूम ही है क्योंकि आप 8th क्लास में हो, ये चीजें तो 6th से ही आपको मालूम हो जाती है ना। तो बस आपको एक एक सेंटेंस बनाना है। तो आपको समझ आया मैंने क्या बोला? और होमवर्क में मैंने दिया है कि छत्तीसगढ़ के कितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं उनके नाम, आप जहाँ गए हो आसपास घूमने के लिए, कोई भी जगह? भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, वेरी गुड। और बहुत सारी जगह है, बोलकल आप अपने आसपास, आपके गांव के आसपास भी कोई अच्छी मंदिर, कोई दर्शनीय स्थल होंगे ना? जी बताइए, उन जगहों के नाम भी बता सकते हैं आप? दंतेश्वरी मंदिर, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। नहीं शेयर नहीं तो लोग सुन तो रहे हैं ना बच्चे? हो रहा, ओके कोई दिक्कत नहीं, आप तक मेरी आवाज आ रही है ना? यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं तो आपको दिक्कत। ओके ओके आ रहा है कि तो ओके बच्चे ओके। तो मतलब आपके आसपास भी जो दर्शनीय स्थल है, हमने इस लेसन में सीखा ना कि हमको बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, दूर दूर घूमने की जरूरत नहीं है, हम अपने आसपास भी घूम सकते हैं। तो हम अपने आसपास की जगहों के बारे में बात करते हैं। आपने जैसे बताया, और कोई बच्चा बताना चाहेगा जो कहीं घूमने गया हो? झुमका बांध हाँ बिल्कुल सही। वैसे ये होमवर्क में दिया था मैंने, है ना, कि आप जो है वो अपने आसपास की चीज़ों, मतलब आसपास के दर्शनीय स्थलों की आप एक सूची बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, और आप इसको मुझे भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया होगा है ना, लिंक में आपने देखा ही होगा, तो उसमें आप मुझे बना के भेज दीजिए। ठीक है, आपको लेसन समझ में आया ना? मज़ा आया पढ़ने में? जी। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप भी कहीं ट्रैवल करने जाएं तो अच्छे से जाएंगे, और अभी जो इन्फेक्शियस डिजीज फैली है उससे अपने आप को बचा के रखिए, मास्क पहनिए, हैंड वॉश करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय। बाय।